सुप्रभातम, नमो नमः। मायसेल्फ छाया रोहित, श्रीमती एल पी सवानी, विद्या भवन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 8 संस्कृत सब्जेक्ट में चैप्टर 6 विनोद पद्यानी का अभ्यास करेंगे। विनोद पद्यानी, विनोद मीन्स हास्य, एंटर इन पद्यानी, पद्यानी मीन्स पद्य, पद। तो हम यहाँ पे मनोरंजन करवाने वाले श्लोक का अभ्यास करेंगे। यहाँ पे इस चैप्टर में 6 श्लोक दिए हैं जो वक्र में मीन्स कटाक्ष में, कटाक्ष में हमें कुछ न कुछ ज्ञान देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे ये पूरा चैप्टर 6 श्लोकों में हमें जीवन के जो कुछ घटित अघटित घटनाएं होती है, जिसमें से हास्य उत्पन्न करवा के हमें मनोरंजन करवा रहे हैं। हास्य हमारे जीवन का एक अमूल्य रस है। हास्य के बिना जीवन अधूरा है। और कहते हैं, अगर हम जीवन में हंसते रहे तो हम तंदुरुस्त भी रह सकते हैं। आपको पता होगा, इसलिए बहुत सारी हास्य क्लब भी चलती है, लाफिंग क्लब। और हास्य को, स्माइल को एक एक्सरसाइज का पार्ट भी माना जाता है। तो यहाँ पे ऐसे कोई जॉक्स नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे कहा है उसी में से कटाक्ष एक टोन में जो दिया है उसी में से एक हास्य भी उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे वक्रोक्ति मीन्स वक्र उक्ति, जब किसी को हम टोन में कुछ बोलते हैं, कटाक्ष में बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे पद की रजूआत की गई है। हम पहला श्लोक देखते हैं कि पहले श्लोक में क्या कहा गया है। सदा वक्री सदा क्रूर सदा पूजामय पक्षते कन्या राशि स्थित नित्यम जामाता दशमो ग्रह। यहाँ क्या कहते हैं, सदा वक्री, सदा मीन्स हमेशा, वक्री, वक्री मीन्स टेढ़ा क्रूकड़ा, सदा हमेशा क्रूर क्रूर क्रूअल, सदा पूजा में अपेक्षते, सदा हमेशा पूजा अपेक्षते मीन्स हमेशा वो रिस्पेक्ट की, आदर सत्कार की अपेक्षा रखता है। कन्या राशि स्थित, कन्या राशि में वो स्थित है, टिका हुआ है। कन्या राशि, राशि मीन्स हमारी जो 12 राशि है, जैसे लिब्रा स्कॉर्पियो, वैसे ही ये कन्या राशि में स्थित है। नित्यम जमाता दशमो ग्रह, नित्यम हमेशा, जमाता, जमाता मीन्स जमाई, दशमो ग्रह वो दसवां ग्रह है। जैसे हमारे 9 ग्रह है, पृथ्वी प्लूटो, वैसे ये जो 9 ग्रह है वो 9 ग्रह राहु केतु भी ग्रह है, वो जैसे हमें मुश्किली में डालते हैं, जैसे उनकी पनौती चलती है, शनि को शनि पनौती, राहु की केतु की, जैसे हमें वो मुश्किली में डालते हैं। तो ग्रह है, वो ग्रह बहुत ही हमें मुश्किली में, समस्या में डालने वाले होते हैं। अगर वो हमें गुस्सा होते हैं हम पर, तो हमें वो बहुत मुश्किली में डालते हैं। वैसे ही तो ये दसवां ग्रह है, कौन, जामाता, जामाता मीन्स जवाई। तो ये जमाई जो है वो दसवां ग्रह है। क्यों उसे ऐसा कहा है, तो वो हमेशा सदा ही वो वक्री है मीन्स टेढ़ा रहता है। वो जब भी हमें ससुराल में जाता है तो कुछ ना कुछ वजह से वो ससुराल की सभी व्यक्तियों की गलती निकालता है।
तो इसलिए वो ऐसा टेढ़ा है, वो क्रूर है और सदा ही वो आदर सत्कार की अपेक्षा रखता है। तो वही जो कन्या राशि में स्थित है वो हमेशा वो जवाई होता है, वो दसवां ग्रह कहा गया है। इसलिए जवाई से सब डरते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आदर सत्कार देते हैं, तो उसे वो इज्जत मिलती है, लेकिन वो डर की वजह से उसे इज्जत मिलती है। तो यहाँ पे जमाई को दसवां ग्रह किए गया है, तो यहाँ पे कटाक्ष में हंसी है कि ये जमाई है। तो कभी कभी वो ससुराल में आते हैं तो ऐसे ही कहते हैं उन्हें कि हाँ जमाई आए हुए हैं, तो हमारे यहाँ तो दसवां ग्रह है। तो ऐसे लोग बात करके कटाक्ष करते हैं और हास्य करते हैं। टका धर्म टका कर्म, टका ही परम तप, यस्य हस्ते टका नास्ति हटके टक टकायते। यहाँ पे टका, टका मीन्स पैसा, रुपया। तो क्या कहा है, पैसा ही धर्म है, टका कर्म, कर्म भी पैसा है, टका ही परम तप, जो पैसा है वो ही परम तप, तपह। तो परम मीन्स श्रेष्ठ, तपह मीन्स तपस्या। पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है, पैसा ही श्रेष्ठ तप है। यस्य हस्ते, यस्य मीन्स जिसके, हस्ते, हस्ते मीन्स हाथ, जिसके हाथ में टका नास्ति, पैसा नहीं है, हाटके टक टकायते। हाटके, हाटके मीन्स बाजार में, बाजार में टक टकायते मीन्स वो भटकता है, जो बाजार में व्यापारी के साथ खाली ही व्यर्थ की बकवास करता है, खींचा खींच करता है। तो इस श्लोक में टका, टका मीन्स पैसे का महत्व बताया गया है। हम भी जीवन में देखते हैं कि जहाँ पे पैसा है वहाँ पे सब है, जहाँ पैसा है वहाँ पे सुख है, जहाँ पे पैसा है वहाँ पे स्वजन है। तो जहाँ पैसा है वही सारे इकट्ठे होते हैं, जो दोस्त रहते हैं, स्वजन रहते हैं, तो वो भी जब पैसा रहता है तब तक वो स्वजन रहते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, लेकिन जब पैसा नहीं होता है, मुश्किली होती है, तो सब छोड़ के चले जाते हैं। तो जीवन में यहाँ पे जो पैसा है उसका महत्व बताया गया है कि अगर पैसा है तो भी हम जीवन में अच्छे से जी सकते हैं, अगर पैसा नहीं है तो हम भी कुछ भी नहीं है। जिस हाथ में पैसा नहीं है अगर वो बाज़ार में जाते हैं तो वो दुकान वाले के साथ नाहक की वो परेशानी होती है, एक एक पैसे के लिए व्यापारी के साथ कचकच होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो पैसा है वही परम सत्य है, पैसा ही श्रेष्ठ तप है। पैसा जिसके पास नहीं है, जिसमें हाथ में पैसा नहीं है, वो बाजार में कटकट करता है और व्यापारी के साथ वो बकवास करता है। अब हम तीसरा श्लोक देखते हैं। घटम भिन्नात शटम छिन्धात कुरिया द्राक्ष समारोहण एन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवत। यहाँ पे कहते हैं घटम बिंधात, घटम, घटम मीन्स घड़ा, पॉट, भिन्नात मीन्स फोड़ना, घटम बिंधात पॉट को फोड़ना, शटम पिधिंधात, छिंधात मीन्स फाड़ना, पटम, पटम मीन्स वस्त्र, छिंधात मीन्स फाड़ना, कुरिया द्राक्षमारोहण रास समारोहण मीन्स गधे ऊपर सवारी करना, येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध, जैसे भी करके, ऐसे वैसे जैसे भी करके प्रसिद्ध होना, पुरुषो भवत, पुरुषे प्रसिद्ध होना है, जो जैसे वो कुछ भी करके ऐसा वैसा करके भी प्रसिद्ध होना है। तो ये मेल का, पुरुष का ये लक्षण है
कि वो क्या करता है, कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। जैसे घटम बिंधात, पॉट को फोड़ना, शटम छिंधात मीन्स वस्त्र को फाड़ देना, कपड़े को फाड़ देना, कुरिया द्राश अभारोहण मीन्स गधे ऊपर सवारी करना, गधे पे बैठ के शेयर करना, ये न के न प्रकार है, जैसे भी किसी भी प्रकार से प्रसिद्ध होना है, यही पुरुष का ध्येय होता है, पुरुष का मंसूबा होता है। तो जो भी ऐसे इच्छा वाले पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, उनको कुछ भी करके क्या एक उनकी इच्छा रहती है कि मैं जग में प्रसिद्ध हूँ। कुछ भी काम ऐसा नहीं है, उनका यही ध्येय रहता है कि मैं कुछ अच्छा करूँ, अच्छा काम करूँ और प्रसिद्ध हो जाऊँ। लेकिन कुछ अच्छा नहीं कर सकता है तो कुछ भी करो, कोई भी खराब भी काम करो, अच्छा भी काम करो, लेकिन लास्ट में उसे क्या करना है, प्रसिद्ध होना है, फेमस बनना है। तो वो पॉट फोड़ता है, वस्त्र भी अगर फाड़ना पड़े तो वो फाड़ता है, गधे पर सवारी करके पूरे शहर में घूमता है। तो ये सब करके ऐसे वैसा कुछ भी करके पुरुष को प्रसिद्ध होना है। अब हम आगे का श्लोक देखेंगे। उष्टाणाम ही विवाहेशु गीतम गायन्ति गदर्भः परस्परम प्रससंति अहो रूपम अहो ध्वनि। तो यहाँ पे उष्टाणाम मीन्स ऊंट, कैमल, ही मीन्स रियली, विवाहेशु मतलब मैरिज होता है, मैरिज का प्रसंग होता है तब, गीतम गाना, गायन्ति गाते हैं, गदर्भः मीन्स गधे, डोंकी। तो जब ऊंट की शादी होती है तब गदर्भ गधे होते हैं, वो गधे गाना गाते हैं। परस्परम प्रशंसन्ति, परस्परम मीन्स एक दूसरे की, ऊंट और गधा दोनों ही एक दूसरे से की प्रशंसन्ति प्रशंसा करते हैं। अहो रूपम क्या रूप है, अहो ध्वनि क्या आवाज़ है। तो यहाँ पे इस श्लोक में यही कहा है कि रियली ऊँटों के विवाह में, ऊँटों की शादी में गधे गीत गाते हैं और वो दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। वाह, आपका कैसा सुंदर रूप है, आपका कैसा सुंदर आवाज़ है। तो ये श्लोक के पीछे हमें ये बताया गया है कि जैसे ऊँट है वो उसके सारे अंग टेढ़े होते हैं, उसकी बॉडी पूरी टेढ़ी होती है, वैसे ही आज के जो नेता है वो जब कोई भी कार्य करते हैं, वो सही हो या गलत हो, तो उसकी सभा में बैठे हुए जैसे गधे उनकी प्रशंसा करते हैं। तो ये समाज में जो दोनों लोग होते हैं, जो वो टेढ़े हैं, समाज की दुर्दशा करते हैं, फिर भी वो साथ में मिलके एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पे वही कटाक्ष किया है कि ऊँट की शादी में गधा जाता है और वो एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। दोनों ही लुच्चे, दोनों ही कपटी प्राणी हैं और दोनों ही उनकी जंगल में खराब जैसी बात होती है। ऊँट के पूरे बॉडी में उसकी कोई भी अंग सीधा नहीं है, पूरा टेढ़ा है, फिर भी वो दूसरे की निंदा ही करता है। ऐसे ही गधा होता है, वो गधा भी ऐसा ही दूसरों की खुशामत करके आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे समाज में ऐसे लोग हैं, उन पर ये कटाक्ष किया गया है। नेक्स्ट श्लोक। कन्या वरयते रूपम, माता वित्तम पिता श्रोतम, बांधवाः कुलम इच्छति मिष्टान्नं मितरे जनाः। तो यहाँ पे जब कन्या शादी के लायक होती है तब उसकी शादी करने के लिए सब चिंतित है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो कन्या क्या चाहती है, कन्या वरयते रूपम, कन्या
रूप को देखती है। माता वित्तम, माता मीन्स मदर, वित्तम मीन्स पैसा धन। पिता श्रुतम, श्रुतम मीन्स अच्छे से स्टडी। तो यहाँ पे क्या कन्या चाहती है? कन्या अच्छा रूप देखती है, माता धन देखती है और पिता उसकी स्टडी देखते हैं, शिक्षा देखते हैं। बंधवा कुलम इच्छन्ति, बंधवा मीन्स जो उनके कुल के कुटुंब के जो रिलेटिव्स होते हैं, स्वजन होते हैं, वो क्या चाहते हैं? तो उनका कुल उनका अच्छा हो, मीन्स उनके फैमिली संस्कारी हो, वो ऊँचे कुल के हो। मिष्टान मितरे जना, और दूसरे जो शादी में लोग आते हैं वो क्या इच्छते हैं? मिष्टान मितरे, अच्छी अच्छी मिठाई खाने को मिले। कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम, कन्या वर में क्या देखती है? कन्या वर में रूप देखती है, माता धन देखती है, पिता शिक्षा देखते हैं, स्वजन जो होते हैं वो चाहते हैं ऊंचा कुल हो और अन्य लोग मिठाई इच्छते हैं। तो इस श्लोक में बताया गया है कि अगर कन्या शादी करने के लायक होती है तो उनके कुटुंब में कैसे चिंता होती है। तो बताया गया है कि जब शादी के लिए बातचीत होती है तो घर के लोग और कन्या क्या देखते हैं। तो जो लड़की होती है, कन्या होती है, वो चाहती है कि उसका पति रूपवान हो, सुंदर हो। माता क्या देखती है? कि नहीं, लड़का धन वाला हो, पैसे वाला हो। पिता क्या चाहते हैं? कि लड़का अच्छे से पढ़ा लिखा हो, वो अच्छे से उसकी शिक्षा प्राप्त की गई है, उसके पास डिग्री हो। लेकिन जो उनके घर के और मेंबर होते हैं वो क्या चाहते हैं? कि उनका कुल अच्छा हो और लोग अच्छे हो। जब सब लोग शादी में आते हैं तो वो क्या चाहते हैं? कि यहाँ पे अच्छा अच्छा खाना मिले। हम भी कहीं अगर शादी में जाते हैं, कहीं जाना है, तो पहले देखते हैं कि कैसे शादी होगी, कैसा खाना मिलेगा। तो जो और लोग जो शादी में जो इन्वॉल्व होते हैं वो लोग सिर्फ वो प्रेजेंट देने के लिए आते हैं, वो अटेंड होने के लिए आते हैं, वो देखते हैं कि वो लड़का कैसा है, क्या है, वो उनकी कोई भी चिंता नहीं करते, सिर्फ खाने की चिंता करते हैं। तो जो घर के बाहर के लोग होते हैं सिर्फ वो शादी में एंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो वो क्या देखते हैं? कि वो मिठाई खाना कैसा होगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है, वही कटाक्ष किया है कि जब एक शादी होती है तो वो शादी के पीछे कई लोग होते हैं अलग अलग, जो क्या क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे वही कटाक्ष किया है। लास्ट श्लोक, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणाना वैद्यः प्राणाना धनानि च। तो यहाँ पे वैद्यराज, जो वैद्य है, डॉक्टर है, उसके बारे में कहा गया है। वैद्यराज मीन्स महान वैद्य, डॉक्टर। नमस्तुभ्यम, उसका उस नमस्कार हो, जय हो। यमराज सहोदर, तो जो डॉक्टर है उसको, वैद्यराज को यमराज का भाई बोला गया है। यमराज सहोदर मीन्स यमराज का भाई। यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु यम जो होते हैं, यमराज होते हैं, जो क्या करते हैं? प्राण हरते हैं, हमारी जान लेते हैं। वैद्यः प्राणानि धनानि च, लेकिन जो वैद्य होता है, जो डॉक्टर होते हैं, तो हमारे प्राण के साथ हमारी धन संपत्ति भी लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि हे यमराज के भाई, महान वैद्य, आपको नमस्कार हो। यम तो प्राण लेते हैं, लेकिन वैद्य तो प्राण और धन संपत्ति दोनों ही लेते हैं। तो इस श्लोक में यही कटाक्ष किया है कि वैद्य, वैद्य तो आज के ज़माने के डॉक्टर, पहले डॉक्टर को वैद्य कहते थे, जो
लोगों की नाड़ी देख के उनको दवाई देते थे, जैसे पहले जड़ी बूटी या तो ऐसे वनस्पति औषधि जो होती थी उससे वो सब लोगों के इलाज करते थे। लेकिन आज के ज़माने में हमें पता है कि बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे अलग अलग मेडिसिन मिलती है, तो ये डॉक्टर्स पे यहाँ पे कटाक्ष किया है। और डॉक्टर को क्या, यमराज का भाई माना गया है। यमराज जो यम देवता जो हमारी जान लेते हैं, हम जब मर जाते हैं तो वो हमें लेके जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो यमराज वो मृत्यु के देवता है, तो उनको मृत्यु के देवता जो यमराज है उनके भाई डॉक्टर को बोला गया है कि यमराज के भाई यह डॉक्टर है। तो क्यों, तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमारी जान तो ले लेते हैं प्लस हमारी संपत्ति धन भी लेते हैं। यमराज आते हैं तो वो हमें लेके चले जाते हैं, हमारे प्राण ले लेते हैं, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं वो हमारा इलाज करते हैं। और इलाज होने पर भी कुछ अगर फ़र्क नहीं होता है तो हमारी डेट हो जाती है, हम मर जाते हैं। तो डॉक्टर जो होते हैं वो हमारे प्राण के साथ साथ हमारा धन भी ले लेते हैं, जो हमारा इलाज करते हैं, हमें महंगी महंगी दवाई देते हैं, और जो हॉस्पिटल का बिल होता है तो वो सब खर्चा भी होता है। तो इसी द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि यमराज तो सिर्फ हमारे प्राण लेते हैं, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं वो तो हमारे प्राण के साथ साथ हमारी धन संपत्ति भी हर लेते हैं, हमारी पैसे भी हमारे लूट लेते हैं। तो यहाँ पे ये कटाक्ष किया है, सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन हम बच भी जाते हैं, हमारे इलाज भी हो जाता है, हम अच्छे भी हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारा इलाज करते रहते हैं, ज़रूरत नहीं होती है, फालतू खर्च भी होता है हमारा, फिर भी बच नहीं पाते हैं लोग। तो इसलिए यहाँ पे कटाक्ष किया गया है कि यमराज तो सिर्फ हमारे प्राण लेते हैं, लेकिन डॉक्टर तो हमारे प्राण और हमारा धन दोनों ही लूट लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यही विनोद पद्धानी, तो ये सारे 6 श्लोक में हर एक श्लोक में अलग अलग एक एक अलग अलग चीज़ पे, प्राणी पे, इंसान पे यहाँ पे कटाक्ष किया गया है, और उसी के थ्रू यहाँ पे हमारे हंसी आती है। तो यही विनोद पद्धानी मीन्स मजाक किया है, हंसी की है। तो इसी बारे में जो समाज में फैला हुआ है, जो प्राणियाँ हैं, जो कैसे लोग होते हैं, इसके बारे में हमें बताया गया है। अस्तु।